रैट एंड लॉयन, चूहा और शेर। रैट का मतलब होता है चूहा, लायन शेर, एंड और। इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगे, आपकी वर्ड मीनिंग और वोकेबलरी और अच्छी हो और आपको इंग्लिश आने लगे। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। अ फॉरेस्ट, एक जंगल। वॉज रूल्ड, शासित किया जाता था यानी उस पर राज था। बाई आ बिग एंड फियर्स लायन, एक बड़े और खूंखार शेर का। बिग का मतलब है बड़ा, फियर्स खूंखार, खूंखार लायन शेर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये रूल्ड बाई यानी वहाँ पर शासन किया जाता था एक बड़े और खूंखार शेर द्वारा, हम ऐसा कह सकते हैं। ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर। ऑफ द फॉरेस्ट, उस जंगल के। वर स्केयर्ड, डरते थे। ऑफ हिम, उससे यानी उस शेर से जंगल के सारे जानवर डरते थे। ऑल द एनिमल्स का मतलब है सारे जानवर, सारे जानवर स्केयर्ड ऑफ, डरते थे, डरते थे। वन आफ्टरनून, आफ्टरनून एक दोपहर। हैविंग आ हैवी लंच, भारी दोपहर का खाना खाकर। हैविंग का मतलब है यहाँ पर खाकर, खा कर। हैवी भारी यानी बहुत ज़्यादा, लंच दोपहर का खाना। द लॉयन, वो शेर। फिल एस्लीप, एस स्लीप सो गया था। फिल एस्लीप का मतलब है सो गया था। सून जल्द ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। स्नोरिंग, स्नो रिंग खर्राटे लेना। लाउडली, लाउडली जोर से। जल्द ही वह जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। स्नोरिंग खर्राटे, लाउडली जोर से, जोर से। नियर द प्लेस, उसी जगह के पास में। वेयर द लॉयन, जहाँ पर वो शेर। वॉज स्लीपिंग, सो रहा था। देयर वॉज आ माउस होल, एक चूहे की बिल थी। होल का मतलब होगा बिल, माउस का मतलब चूहा, वॉज थी। द ऑनर ऑफ द होल, उस बिल का मालिक। ऑनर का मतलब होता है मालिक ऑफ दैट होल, उस बिल का। आ लिटिल माउस, एक छोटा सा चूहा। गॉट डिस्टर्ब्ड,
डिस्टर्ब हो गया बाई द स्नोर्स, खर्राटों से, ऑफ द लायन, उस शेर के खर्राटों से उस बिल का मालिक जो एक चूहा था डिस्टर्ब हो गया। स्नोर्स का मतलब होगा खर्राटे। ही केम आउट, वह बाहर आया, टू सी देखने के लिए, वेयर द साउंड कहाँ से आवाज वॉज कमिंग फ्रॉम आ रही थी, वह देखने के लिए बाहर आया कि कहाँ से आवाज आ रही थी। केम आउट का मतलब है बाहर आया। टू सी देखने के लिए। साउंड आवाज वॉज कमिंग फ्रॉम से आ रही थी। द माउस, वो चूहा, सॉ, उस चूहे ने देखा, सॉ का मतलब है देखा। द लायन, वो शेर, स्लीपिंग, शेर को सोते हुए, लायन स्लीपिंग है शेर को सोते हुए, एंड और स्नोरिंग, खर्राटे लेते हुए, हैवीली, जोर जोर से। यहाँ पर आप चाहे लाउडली कहें या फिर हैवीली, दोनों का मतलब एक होगा, जोर जोर से। ही क्लाइम्ड ऑन, वह चढ़ गया, द बैक पीठ पर, ऑफ द लायन उस शेर के, एंड और स्टार्टेड और शुरू कर दिया, जंपिंग कूदना, वह शेर के पीठ पर चढ़ गया और कूदना शुरू कर दिया। बैक का मतलब है यहाँ पर पीठ। स्टार्टेड जंपिंग, कूदना शुरू कर दिया, क्लाइम्ब्ड ऑन चढ़ गया। द लायन, वो शेर, फेल्ट टिकल्ड, गुदगुदी महसूस की, उस शेर ने गुदगुदी महसूस की। टिकल का मतलब होता है गुदगुदी। फेल्ट टिकल्ड है तो गुदगुदी महसूस की। द माउस, वो चूहा, क्लाइम्ड डाउन, नीचे उतरा, द लायंस नोज, शेर की नाक पर, एंड और टिकल्ड, गुदगुदाने लगा, हिज मुस्टाश और उसकी मूंछ को गुदगुदाने लगा, यानी उसे खींचने लगा। मुस्ताश का मतलब होता है मूंछ। द लायन, वो शेर, वोक अप, जाग गया, एंड सीइंग और देख करके, द माउस, उस चूहे को, गॉट वेरी एंग्री और बहुत गुस्से में आ गया। गॉट वेरी एंग्री का मतलब है बहुत गुस्सा हो गया या फिर बहुत गुस्से में आ गया, बहुत गुस्सा हो गया। सीइंग देख कर, वो कब उठा यानी वो जाग गया। ही क्विकली, उसने जल्दी से, ग्रैब्ड पकड़ लिया, द माउस, उस चूहे को, इन हिज पावरफुल पॉज, अपने ताकतवर पंजों में।
पावरफुल का मतलब है ताकतवर, ताकतवर। पॉज, पंजे। द लायन, वो शेर। देन सेड, फिर कहा, फिर उस शेर ने कहा। टू द माउस, उस चूहे से। यू नॉटी माउस, तुम शरारती चूहे। नॉटी का मतलब होता है शरारती, शरारती। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। डिस्टर्ब, खराब करने की। साउंड स्लीप, मेरी गहरी नींद। साउंड स्लीप का मतलब है गहरी नींद। नाउ, अब। आई विल ईट यू, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ईट यू अप का मतलब है खाना। आई विल ईट यू अप है तो मैं तुम्हें खाऊंगा। यू विल गेट पनिशमेंट, पनिशमेंट, तुम्हें सजा मिलेगी। फॉर डिस्टर्बिंग, डिस्टर्ब करने के लिए। द किंग, राजा को, तुम्हें राजा को डिस्टर्ब करने के लिए सजा मिलेगी। पनिशमेंट का मतलब होता है सजा। यू विल गेट, तुम्हें मिलेगी। द माउस, वो चूहा। गॉट फ्राइटेंड, फ्राइटेंड, डर गया यानी घबरा गया। गॉट फ्राइटेंड का मतलब है घबरा गया, घबरा गया। ही प्लीडेड, उसने विनती की। बिफोर द किंग, राजा के सामने। बिफोर का मतलब है सामने। द किंग, राजा के। प्लीड का मतलब होता है विनती करना, विनती करना। प्लीडेड है तो विनती की। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। योर मैजेस्टी, महाराज। योर मैजेस्टी का मतलब है महाराज। प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। फॉरगिव मी का मतलब होता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। दैट कि, आई विल नेवर डिस्टर्ब, मैं कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। यू आपको, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना, वादा करना। इफ यू लीव मी, अगर आप मुझे छोड़ दें। टुडे, आज, अगर आज आप मुझे छोड़ दें। आई विल रीपे, मैं इसका बदला दूंगा। यू आपको, वन डे, एक दिन, अगर आप मुझे छोड़ दें तो एक दिन मैं आपको इसका बदला दूंगा। रिपे का मतलब होता है कोई चीज़ चुकाना या फिर बदला देना। फॉर श्योर, निश्चित ही। फॉर श्योर का मतलब है निश्चित ही, निश्चित ही। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर। द लायन, वो शेर। लाफ्ड आउट, जोर से हंसा। हार्टली, दिल खोलकर। ऐसा सुनकर
वो शेर दिल खोल कर जोर से हंसा। ही सेड, उसने कहा, अ टाइनी माउस, एक छोटा सा चूहा, लाइक यू, तुम्हारे जैसा, विल हेल्प मी, मेरी मदद करेगा। हाँ, वो हंसते हुए कहता है, हाँ, तुम्हारे जैसा छोटा सा चूहा मेरी मदद करेगा। आई एम लीविंग यू, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नॉट बिकॉज यू विल हेल्प मी आउट, कि तुम मेरी मदद करोगे, वन डे, एक दिन, मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ कि तुम मेरी एक दिन मदद करोगे, बल्कि बिकॉज यू मेड मी लाफ, तुमने मुझे हंसाया सो मच, इतना ज़्यादा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ कि एक दिन तुम मेरी मदद करोगे, बल्कि मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ कि तुमने मुझे इतना हंसाया। यहाँ पर बट का मतलब होगा बल्कि। सेइंग दिस, ऐसा कहकर, द लायन, वो शेर, फ्रीड हिम, उसे छोड़ दिया, एंड और द माउस रैन अवे, और वो चूहा भाग गया। रैन अवे का मतलब है भाग गया, भाग गया। मेनी डेज, बहुत दिन, आफ्टर, बाद, बहुत दिन बाद, दिस इंसिडेंट, इंसिडेंट, इस घटना के बहुत दिन बाद, अ ग्रुप ऑफ सिटी हंटर्स, शहर के शिकारियों का एक समूह, सिटी का मतलब है शहर, हंटर्स शिकारी, अ ग्रुप एक समूह, केम टू द फॉरेस्ट, जंगल आया, केम का मतलब है आया, टू कैच, पकड़ने के लिए, अ लायन, एक शेर, सो दैट, ताकि दे कुड सेल इट, ताकि वो इसे बेच सके, टू आ सर्कस, किसी सर्कस वाले को, सेल का मतलब होता है बेचना, गुड सेल है तो बेच सके, सो दैट, ताकि दे लेड, उन्होंने लगाया, आ नेट, एक जाल, उन्होंने एक जाल लगाई, एंड और अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, और दुर्भाग्यवश, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा, द लायन, वो शेर, गॉट ट्रैप्ड, फंस गया, इन इट, इसमें, द लायन, वो शेर, ट्राइड आ लॉट, बहुत कोशिश की, टू फ्री हिमसेल्फ, खुद को छुड़ाने की, फ्रॉम द बिग नेट, उस बड़े जाल से, बट लेकिन, टू नो अवेल, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ, यानी कोई भी फायदा नहीं हुआ, नो अवेल का मतलब होता है कोई भी फायदा ना होना, यानी कोई काम ना होना।
द लायन, वो शेर ग्रॉल्ड, गुर्राया, ग्रॉल का मतलब होता है गुर्राना, ग्रॉल्ड है तो गुर्राया। लाउडली, जोर से, लाउडली का मतलब है जोर से। इन फियर, डर में, वो शेर डर से जोर से चिल्लाया। हियरिंग इट, इसे सुनकर। द माउस, वो चूहा केम आउट, बाहर आया। ऑफ हिज होल, अपने बिल से, यह सुनकर वो चूहा अपने बिल से बाहर आया। ही सॉ, उसने देखा। द लायन, उस शेर को। ट्रैप्ड, फंसा हुआ। इन द नेट, जाल में, उसने शेर को फंसा हुआ जाल में देखा। सॉ का मतलब है देखा। ही वेंट, वह गया। टू हिम, उसके पास। एंड और, आस्क्ड हिम, और उससे पूछा। हाउ ही गॉट ट्रैप्ड, कि वो कैसे फंस गया। गॉट ट्रैप्ड का मतलब है फंस गया, ही वह। द लायन, वह शेर। टोल्ड हिम, उसे बताया। द एंटायर स्टोरी, पूरी कहानी। एंटायर का मतलब है पूरी, स्टोरी कहानी। द माउस, वो चूहा। सेड टू द लायन, शेर से कहा। डोंट वरी, चिंता मत करो। डोंट वरी का मतलब होता है चिंता ना करना। आई कैन इजिली, मैं आसानी से। निबल, कुतर सकता हूँ। दिस नेट, इस जाल को। यूजिंग माई शार्प टीथ, अपने तेज दांतों की मदद से, या फिर अपने तेज दांतों का उपयोग करके। यूजिंग का मतलब है उपयोग करके। माई शार्प टीथ, मेरे तेज दांतों से। निबल, कुतरना। इजली, आसानी से, आसानी से। यू डोंट नीड टू फियर, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। फियर का मतलब होता है डरना। डोंट नीड टू फियर है तो नहीं डरना। द माउस, वो चूहा। क्विकली, क्विकली, जल्दी से। निबल्ड, कुतर डाला। द थ्रेड्स, उन धागों को। ऑफ द नेट, उस जाल के धागों को उस चूहे ने जल्दी से कतर डाला। क्विकली का मतलब है जल्दी से, जल्दी से। थ्रेड्स, धागे। द माउस, वो चूहा। सेड टू द लायन, उस शेर से कहा। दैट डे, दैट डे, उस दिन। यू लाफ्ड, तुम हंसे थे। एट मी, मेरे ऊपर, उस दिन तुम मेरे ऊपर हंसे थे। आई हैड टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था। दैट कि, समडे, समडे, किसी दिन। आई वुड श्योरली रिपे, मैं निश्चित ही वापस दूंगा। योर काइंडनेस, काइंडनेस।
आपकी दयालुता का, मैं आपकी दयालुता का बदला एक दिन वापस ज़रूर करूँगा। श्योरली का मतलब है निश्चित ही, निश्चित ही। रिपे का मतलब होता है बदला देना या फिर चुकाना। काइंडनेस दयालुता या फिर रहम दिली, रहम दिली। नाउ अब यू सी, आप देखिए हाउ आ टाइनी एंड स्मॉल क्रिएचर, कि कैसे एक छोटा सा प्राणी, हाउ का मतलब है कैसे, टाइनी और लिटिल दोनों का मतलब होता है छोटा, क्रिएचर प्राणी, लाइक मी मेरे जैसा, कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल, हेल्पफुल मददगार साबित हो सकता है, सम डे किसी दिन। अब आप देखिए कि मेरे जैसा छोटा सा प्राणी भी किसी दिन मदद करने वाला हो सकता है या फिर मददगार साबित हो सकता है। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।